इसमें हम आपको अब सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद के विषय में बता रहे थे। इसमें सर्वनाम की परिभाषा के विषय में, सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, और सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, और वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम भी वही कार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। तो इसी प्रकार ये आपको हमने बताया, और सर्वनाम के भेद के विषय में सर्वनाम शब्द एक ही तरह के नहीं होते हैं। जिस प्रकार से संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम शब्द भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सर्वनाम, इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम के छह भेद बताए गए हैं। सर्वनाम छह प्रकार के माने जाते हैं, और छह प्रकारों में हमने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। ये छह प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, और छह प्रकार हम आपको बता रहे थे। और छह प्रकार बताने के बाद अब सबसे पहले प्रकार के विषय में विचार करना प्रारंभ किया हुआ है, बताना शुरू है कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको बताया, एक वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है, अर्थात वक्ता बोलने वाला, दूसरा श्रोता सुनने वाला, वो दूसरा होगा, और एक तीसरा होता है जो न बोलने वाला और न सुनने वाला, अन्य तीसरा, जिसके विषय में दोनों मिलकर के बताते हैं, बात करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उसे हम अन्य पुरुष में देखते हैं। पहला जो अपने आप वक्ता है वो कौन से पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और अन्य जो दूसरा होता है वो मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जो तीसरा होता है उसे हम अन्य पुरुष में लेते हैं। तो ये हमने आपको बताया था, और इसी ही के अंतर्गत हम आपको बता रहे थे ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के विषय में हमने आपको बताया, सबसे पहले एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये तीन पुरुष माने जाते हैं। तो तीनों पुरुषों के विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं।
कहलाती है। इनके अंतर्गत मैं एकवचन तथा हम बहुवचन आते हैं। जैसे जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूं, मैं कल मैं एक वचन अपने लिए कह रहा है, मैं कल कश्मीर जा रहा हूं, एक वचन होगा। हमें अर्थात बहुवचन, किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो ये बहुवचन होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर उत्तर पुरुष के मध्य जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तर पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें इसके अंतर्गत एक वचन, मैं एक वचन, हम बहुवचन आते हैं। जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो इसी प्रकार एकवचन और बहुवचन। अब आगे देखते हैं हम मध्यम पुरुष। इसमें मध्यम पुरुष के विषय में देखते हैं कि श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है, किया जाता है।
वे मध्यम पुरुष के सरनाम कहलाते हैं। वे मध्यम पुरुष के सरनाम कहलाते हैं। इनके उदाहरण तू, तुम और आप हैं। तू, तू, तुम तथा आप, ये तो तुम तथा आपके अंतर्गत आते हैं। ये हुआ तो अब हम इसमें देखते हैं कि तू सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तू एक वचन का रूप है, परंतु हिंदी में एक वचन में प्रयोग बहुत कम होता है, इसे बहुत कम करते हैं। क्यों? तू का प्रयोग केवल बहुत घनिष्ठता, निकटता की स्थिति में एक वचन में होता है। जैसे दो दोस्तों के बीच, अब हिंदी में तू के स्थान पर एक वचन में तुम तथा आप दोनों का प्रयोग होने लगा है। अतः बहुवचन में इसके साथ लोग शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे तू शब्द है, तू शब्द का प्रयोग हिंदी में बहुत कम किया जाता है। कोई विशेष आपस में दो दोस्तों के बीच में तू का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन तू का प्रयोग एक वचन में, वैसे तो एक वचन में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही घनिष्ठता जहां पर होती है, बहुत निकटता जहां पर होती है, उसमें दोस्तों के बीच में इसका प्रयोग कर लेते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग अन्य स्थानों में नहीं करते। तो इस प्रकार वैसे ज्यादातर देखा जाए तो के स्थान पर तुम का और आपका प्रयोग ही विशेष रूप से किया जाता है। और इसमें तुम का प्रयोग कैसे करते हैं और बहुवचन में लोग शब्द को उसमें जोड़ करके तुम लोग यहाँ बहुवचन का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात इसमें बहुवचन लोग शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे आने, जैसे लड़कियों, कल तुम लोग स्कूल मत जाना। लड़कियों, कल तुम लोग स्कूल मत जाना, अर्थात बहुवचन में यहाँ पर कह देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग यहीं रहेंगे, यहीं रुकेंगे? भाभी जी, क्या आप यहीं रुकेंगी? आप एक वचन में। तो इसी प्रकार से मेरा कल तुम स्कूल मत जाना, तो इसी प्रकार से एक वचन या अन्य बहुवचन। तो देखते हैं, जैसे मीरा
इसमें मध्यम पुरुष में श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो तुम तथा आपके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे मेरा कल तुम स्कूल मत जाना, तुम दोस्तों क्या आपको यही मिलेंगे? बहुवचन यहां पर एक वचन, यहां पर बहुवचन, लोग शब्द जोड़ने के बाद यहां पर बहुवचन बन गया। तो दोस्तों क्या आप लोग यही रुकेंगे? भाभी जी क्या आप यही रुकेंगे? एक वचन। तो इसी प्रकार से यहां पर तुम या आप शब्दों का यहां विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम इस प्रकार से ये हुआ हमारा मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के बाद हम देखते हैं आगे अन्य पुरुष। जो अन्य के लिए अर्थात दोनों में से अन्य तीसरे के विषय में जब बात होती है तो वह अन्य पुरुष में लिया जाता है। अन्य पुरुष के विषय में वक्ता या श्रोता के द्वारा अन्य व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इनके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे। एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप में युक्त होते हैं। जैसे जैसे वह मदन
यार आजकल बीना कक्षा में नहीं आ रही, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है? वह सोहन जी या आजकल आजकल बिना कक्षा में नहीं आ रही है, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है? बीमार तो नहीं है? इसी प्रकार से यहां पर वह शब्द वह तो आगे सोहन वह बीमार है, हां वह बीमार है। इसी प्रकार से यहां पर ये हमारा एक वचन हुआ और इसी तरह से बहुवचन के विषय में आपको बताते हैं। में सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तो बहुवचन का रूप है, परंतु इसका प्रयोग भी प्रायः आदर सम्मान देने के लिए एक वचन में किया जाता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से, कल मेरी माता जी दिल्ली जा रही है, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे, तो हिंदी में वे का बहुवचन रूप भी लोग लगाकर वे लोग बनाया जाता है। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र से, कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, वे लोग आए होटल में ठहरेंगे,
लोग आए होटल में ठहरेंगे। वे एक छात्र दूसरे छात्र से, कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं। वे लोग ने लोग आज एक होटल में, वह ताज होटल में, यहाँ पर कोई भी आप नाम लिख सकते हैं कि जैसे वह आज ताज होटल, ताज होटल में ठहरेंगे। तो ये हमारा बहुवचन हुआ। तो इसी प्रकार से हमने आपको उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों आपको बताए, और इसमें अलग अलग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किस प्रकार से, इनकी परिभाषाएं और अन्य उदाहरण आदि सब आपको बताए, और उसके बाद हम आपको आगे फिर बताएंगे।